इस समय बॉल टेम्परिंग के इशू ने पूरे क्रिकेट दुनिया को हिला के रख दिया है और हम ये जानेंगे कि बॉल टेम्परिंग होती क्या है। और बॉल टेम्परिंग जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्विंग क्या होती है, वो स्विंग जिसकी वजह से बॉल टेम्परिंग की जाती है। क्रिकेट में दो तरह की पहले स्विंग होती है, आउट स्विंग और इन स्विंग। अगर आप ये बॉल देखें तो इसमें जो सीम पोजीशन है क्रिकेट की भाषा में स्लिप की तरफ अगर होगी, नई बॉल अगर होगी, और अगर बहुत सारी चीज़ें जैसे रिस्ट मूवमेंट से लेके आपके पैर का पोजीशन, आपका कंधा, आपका सिर, उन सारी चीज़ों के साथ ये तय होता है कि बॉल आउट स्विंग होगी अगर उसके सीम पोजीशन स्लिप की तरफ है। अब इसी एक्शन से अगर गेंद बाहर की तरफ बजाय अंदर की तरफ आने लगे तो उसको रिवर्स स्विंग कहते हैं। उसके लिए गेंद तैयार की जाती है और उसके लिए किया ये जाता है कि गेंद की एक साइड को चमकदार बनाया जाता है और दूसरी साइड को रफ़ किया जाता है। रफ़ करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे गेंद को अपने आप भी रफ़ होती है क्योंकि वो ग्राउंड पर जब रगड़ होती है तो उससे गेंद रफ़ होती है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर के बारे में कहा जाता है कि वो जो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक का जो ढक्कन होता था उससे गेंद को रगड़ते थे, लेकिन वो बहुत पुराना ज़माना हो गया। अब नए ज़माने में उस तरह के चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बेन क्राफ्ट ने किया है। उन्होंने क्या किया कि एक कपड़ा लिया जिसका एक साइड रफ़ थी, उसको उन्होंने पिच पर रगड़ा और पिच पर रगड़ने के बाद वो उस एक साइड को रगड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि एक गेंद को उस साइड से रफ़ किया जा सके। उसमें होता यह है कि जो साइड रफ़ है वो ऑफ सिस्टम की तरफ होगी, ऑफ साइड की तरफ होगी, और जो चमकीली हिस्सा है वो लेग साइड की तरफ होगा। अब अगर एक सही रफ्तार के साथ गेंद की जाती है तो वो आउट स्विंग की जगह वो इन स्विंग होगी, यही रिवर्स स्विंग होती है, और इसी के लिए बॉल टेम्परिंग या चीटिंग जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने की है वो की जाती है।